लेकिन स्वाभाविक है, जब बड़ी दुनिया की बड़ी बड़ी पार्टियों में कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हो जाती है, तो हम लोग तो नहीं पार्टी हैं। 15 दिन 20 दिन पहले पार्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, छाप मिला है, तो सब ठीक है, लेकिन कुछ कुछ बातें छोटी छोटी हो जाती है, और हम लोग उनको मेहनत करके उन सारी चीज़ों को, त्रुटियों को दूर कर लेंगे। अभी हाल ही में यदि हम बात करें कल परसों तो आपके एक साथी संगठन से बाहर चले गए। जी, उनका जहाँ भी जाए उनका अभिनंदन करते हैं, वे सदैव खुश रहें, मंगलमय उनका जीवन रहे, अपने जहाँ भी रहे उन्नति करें और संघर्ष थोड़ा करें, क्योंकि संघर्ष करेंगे तो शायद उन्हें इस प्रकार के निर्णय, जब दूसरी पार्टी में जाएंगे तो शायद निर्णय वो ना लेंगे, तो वो संघर्ष करें, हमारी शुभकामनाएं हैं और आगे बढ़ें, हम प्रार्थना करते हैं। जयराम जी, आप पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, सवाल यह उठता है कि संजय मेहता आखिर पार्टी क्यों छोड़े, कई लोग यह सवाल कर रहे हैं। देखिए, कोई विशेष बात नहीं है, वही बात है बरही बरकट्ठा और सदर हजारीबाग, तो उन तीनों सीट में एक को आप प्रीफर कीजिए और जाके जहां आपको तैयार, चूंकि आप 10 साल से तैयारी तो कर ही रहे थे, चूंकि आपने विधानसभा चुनाव बरही से लड़ा ही था, तो फिर बोले माफ कीजिए, मांडू और रामगढ़ तो संभव नहीं लगता है, बस और विशेष कुछ बात नहीं। उसके बाद उन्होंने आवेदन भी नहीं किया था ना, जैसे कि हम लोग प्रोटोकॉल है कि जो आवेदन करेगा वही प्रत्याशी बनेगा, तो उन्होंने आवेदन भी नहीं किया था, जबकि देवेंद्र जी बीमार थे, उन्होंने अपने पार्टी के लड़कों को भेजकर अपना फॉर्म लिया, फिर साइन करके दोबारा उनको जमा करने के लिए भेजे रांची से, तो उन्होंने आवेदन भी नहीं किया था, तो उसके लिए भी मैंने मीडिया में कहा था कि भाई जिन्होंने आवेदन नहीं किया है वो उन सीटों पर लड़ेंगे जिन सीटों पर आवेदन नहीं मिला है, और यदि वो अपनी मनपसंद सीट से लड़ेंगे तो फिर जिन्होंने आवेदन किया है उनसे NOC लेना होगा, तो संजय जी ने आवेदन भी नहीं किया था, तो ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है, वही था कि वो मांडू और रामगढ़ से लड़ना चाहते थे और सामाजिक और भौगोलिक समीकरण से वो सीट उनके लिए फिट था नहीं, तो इसलिए मैंने उनको बरही बरकट्ठा और सदर तीन सीटों को चुनने के लिए कहा था। लेकिन बोलिए। यदि हम मीडिया की माने तो कुछ चैनलों पर उन्होंने अपने कुछ शब्द जाहिर किए हुए हैं, अपमान देखिए वो का घूंट पीकर रहने से अच्छा है कि उसे संगठन से मैं खुद अलग कर लूं। देखिए, सबसे पहली बात है कौन सा अपमान भाई, जिस पार्टी ने आपको 700 वोट से सीधा 1.5 लाख तक जंप कराया वो सम्मान नहीं था, छोटी छोटी बहनें आपके कार्यक्रम में रात भर 9-11 बजे तक जागकर आपको तिलक लगाती थीं, क्या वो सम्मान नहीं था? 80-85 साल की बूढ़ी दादी लोग अपने आंचल में अपना बाजार हाट से जो पैसा कमा के लाती थी, बचा के रखती थी, आपको चंदा के रूप में देती थी, क्या वो सम्मान नहीं था? आम आदमी पार्टी में आप थे, कितना सम्मान था आप बताइए, हमने तो आपको, आपके लिए पलके बिछा दी, लोग दरी बिछाते हैं, हमने तो पलके बिछा दिए। लोकसभा, पहला बात तो लोकसभा का चुनाव मेरा संगठन का कोई साथी नहीं चाहता था कि आदरणीय संजय जी लड़े, क्योंकि वो उन्होंने संगठन में नए नए आए थे, उनका कहना था कि अगर आपको कुशवाहा समाज से ही लड़ना तो रामगढ़ की भारती कुशवाहा को लड़ाइए, हजारीबाग के उदय मेहता जो जिला परिषद के चुनाव लड़ चुके हैं, जो छात्र नेता रहे हैं, उनको लड़ाइए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये पढ़े लिखे हैं, अच्छा बोलते हैं, इन्फ्लुएंट बात करते हैं, तरक्की, तो मैंने अपनी जिद की थी, तो फिर पार्टी ने कहा चलिए पहला चुनाव है, लेकिन उसके लिए नहीं, क्या दिक्कत है, अब बड़ी बड़ी पार्टियों में चंपे जी चले गए, लोबिन जी चले गए, तो पार्टी मर थोड़ी गई है, मुझे मालूम है, मैंने अपने संघर्ष से खड़ा किया है, अभी मैं बेड पे हूँ और आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, विश्वास कीजिए, आज अभी मेरा 6 विधानसभा और 3 जिला में कार्यक्रम है, मैं केवल ब्रश भी करूंगा नहीं, कूला करके निकल जाऊंगा, मैंने गाड़ी में खाना भर दिया है, यानी मैं गाड़ी में बैठ के खाना खाऊंगा, देख सकते हैं मैं बेड पे हूँ, ये मेरा अभी मैं सो के भी नहीं उठा था, फिर लड़कों ने कहा कि नहीं ऐसा की वाले भैया लाइव करना चाहते, देखिए हम सोया थे, अभी भी मेरी आंख को देखिए मैंने पानी भी नहीं लगाया है, क्योंकि बिल्कुल मैं बिल्कुल, मैंने आपको लाइव से पहले कहा भी थोड़ा सा आपके पानी मार नहीं, तो लीजिए। मैं बनावटी नहीं हूँ, जो हूँ सबके सामने हूँ, जनता जैसा सोचती है, मैं कोई बनावटी नहीं हूँ, ना मैं कोई दिखावटी हूँ कि मैं कोट पहन के इंटरव्यू में आऊँ, ना मैं परफ्यूम लगा के आऊँ, मैं सो के उठा हूँ और सीधे बेड से इंटरव्यू में हूँ, मेरी आंखों से देख लीजिए, बस किस तरह मैंने बाल को ऐसे किया है, बाल ऐसे था, मैंने बाल को ऐसे किया है, बारे में नहीं, अन्य नेताओं के बारे में भी उनकी वही सोच है, यानी जयराम महतो की सोच है। देखिए जो सत्य है उसको स्वीकार कीजिए, पहचान मेरी भी नहीं थी, मेरी पहचान बनी इस भाषा आंदोलन के कारण ड्रल में, वो भी हमने लोकसभा चुनाव लड़वाया और लाखों वोट, 80 हजार, 50 हजार, 1.25 लाख, 1.5 लाख वोट आया, तो ये तो सत्य है कि आपकी पहचान JBKS में आने से बनी है, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी में आप थे, उसके बाद हमको नहीं लगता है कि मैंने आपको बरही में भी पूरे लोग कोई जानते होंगे,
लेकिन आज हम जब इक्वेशन में आने से आपको कम से कम तो उत्तरी छोटा नागपुर जानता है, ठीक है, संथाल परगना वल्हान ना जाने, लेकिन उत्तरी छोटा नागपुर और पलामू परमंडल तो आपको बहुत अच्छा से जानता है। तो ये तो सत्य है, इसमें कोई झूठ बात नहीं है, आपकी पहचान बनी है, हम लोग के साथ आने के कारण ही बनी है। पहले एक दौर था ना भैया कि हमको भी याद है कि कोई प्रखंड अध्यक्ष 20 गाड़ी लेके जाता था, जिला अध्यक्ष 50 गाड़ी भीड़ लेके जाता था, नेता बनता था। लेकिन ये पहला दौर है झारखंड में जब कोई भीड़ में आके नेता बन रहा है, और भीड़ जरा महतो की मेहनत से आती है। किसी को पूछिए इसमें जो सत्य उसको स्वीकार कीजिए। कोई भी पूछिए कि अपने साथ 10 गो लोग लेकर आए होंगे कभी भी किसी कार्यक्रम में, कोई भी हमारे पार्टी के बड़े नेता हों, वो अकेले आते हैं, उन्हें हम मंच देते हैं, उस मंच में वो अच्छी बातें रखते हैं, नेता बन जाते हैं। तो ये सत्य है, पहचान जेबी के से मिली है, इसे झूठलाया नहीं जा सकता है। सार्वजनिक मंचों पर भी अपमानित करते हैं नहीं, वो। ये अलग कहाँ बताइए, कब किसको अपमानित किया गया? हमने तो हमेशा सबका नाम गुणगान किया है, हमने हमेशा उनको जी और भैया कह के संबोधन किया है, हम क्यों किसी का अपमान करने लगे? अरे भाई, आप लॉयर हैं, आप अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो कहेंगे वो मैंने ब्रह्मास्त्र है, वो सत्य है। आपका सम्मान है, आप खुशहाल रहें, सदैव आप आबाद रहें, उन्नति के रास्ते पे चले, हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। मैं संगठन से इसीलिए अलग हुआ कि वहां पर अपमानित करने का स्क्रिप्टेड ट्रेंड चलाया गया टारगेट करके। नहीं, आप मैं उनको वो मेहनत करने से कोई मेहनत कीजिए ना। आज आ एक बात बताइए, हमारे संगठन में कितने लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, वो अपने आप जगह बनते जा रहा है उनका। अभी उन्हीं को भैया भाई साहब को हमने पलामू परमंडल का परटेम प्रभारी बनाया था, एक दिन भी नहीं गए। यानी जब संगठन में काम दिया जाता है तो आप लोग जाते ही नहीं हैं, और जब चुनाव लड़ने की बात आती है तो आप तैयार रहते हैं और प्रेशर बनाना शुरू करते हैं। फिर चूंकि सबको मालूम है कि जो दिखता है सो बिकता है, चूंकि वो मीडिया में रहे हैं तो तुरंत मीडिया में आ जाते हैं, सोशल मीडिया में आ जाते हैं। ग्राउंड में जाके पूछिए सच्चाई उनके बारे में भी और मेरे बारे में भी, पूछिए मैं पागलों की तरह मेहनत कर रहा हूँ। आज मेरा बताइए 6 विधानसभा मायने हैं, मर जाएंगे, रात होते होते हालत खराब हो जाएगी। रिजवान को लेकर क्या कहेंगे? रिजवान अंसारी को जो देखिए आपने जेबी रिजवान केसेस के मजबूत किया गया है। रिजवान जी वाला मामला मेरे संज्ञान में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैं उस समय बड़का गांव में मेरा कार्यक्रम चल रहा था और मांडू में, और घटना घटी है आपका टुंडी और मैंने मनियाडी के आसपास, जो कि भौगोलिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो लगभग 250-200 किलोमीटर डिस्टेंस में है। तो वैसे में प्रधान महासचिव को पार्टी में अध्यक्ष के बाद एक ओहदा है और शक्ति है, वो अपनी शक्ति से निर्णय ले सकते हैं। अतः उन पर फिर भी मैंने जांच कमेटी बैठाने को उनको कहा था, और वहाँ जांच कमेटी बैठने बैठी और उनकी जांच की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद आगे निर्णय होगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि सब ठीक हो। उन्होंने कहा है कि पीछे से ट्रैक्टर वाले ने रात में मैं कहीं से वापस आ रहा था, ट्रैक्टर वाले ने पीछे से लत्था मारा। हालांकि मुझे वो भी पता नहीं था। हालांकि जब कुछ दूर मैं जब आगे गया तो कुछ लोगों ने घेरा, जब मैंने देखा कि तो रिजवान जी है तो ऐसे बात साउंड के सामने आई कि आपके देखिए ड्राइवर ट्रैक्टर वाले से शायद कुछ पैसा मांग रहा था, जैसा कि वो बता रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ मामला नहीं था, फिर भी मुझे किया गया। लेकिन जो भी है, मैं इस पर खारिज में लेबर बात। नहीं ठीक है, अगर मान के चलिए अगर ऐसा विषय नहीं है तो ठीक है, वो संगठन में बने रहेंगे। किंतु तो अगर भविष्य में किसी प्रकार का ऑडियो या वीडियो जो उस उनके वहाँ होने की या उस प्रकार कृत्य की अगर पुष्टि करेगा तो फिर उस समय पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अभी अगर कोई एविडेंस नहीं मिलता है तो संगठन में बने रहेंगे। हालांकि विवाद हुआ ये सत्य है, लेकिन बालू को लेकर विवाद हुआ है ये है कि नहीं, इस पर अभी जांच चल रही है। मतलब जयराम महतो किसी भी तरह से झुकने वाले नहीं है नहीं पार्टी दादा, संगठन को हमें लेकर। देखिए दादा, सबसे पहली बात है कि हम लोग भी उसी पॉलिटिक्स को लेकर आएंगे। ठीक है, जनता 2 दिन गाली देगी, लेकिन भविष्य में उनको भी मालूम चल जाएगी कि लड़का ठीक था। अगर हम भी ऐसा थोड़ी है, हमको खुद रांची में लगभग एक मतलब लिफाफे में नहीं करने से भी 2-2.5 केजी का वजन था पैसों का, हमारे हाथ में सीधा थी आ गया, हम तुरंत फेंक के दे दिए। तो ऐसा नहीं है, लोगों को मालूम हो चुका है कि ये लड़का राजनीति में आ रहा है, और लोगों भी पुराने नेताओं की तरह मेरा स्वागत कर रहे हैं, गाड़ी घोड़ा का ऑफर करने लगे हैं, पैसा थमाने लगे हैं। तो फिर क्या होगा झारखंड की राजनीति का? हम नए सोच के साथ आए हैं तो नया ही करेंगे, कितना सफल होंगे कब होंगे ये नियति जानती है, ये समय जानता है। लेकिन अगर हमारे भी संगठन रह रह के लोग अगर वही लेवी असूली ये सारी चीज करेंगे, उसके बाद दबाव बनाएंगे अपना भीड़ दिखा के, तो हम नहीं झुकेंगे, जो सही होगा साथ रहेंगे, जो गलत करेंगे दिक्कत होगा। तीरथनाथ आकाश को लेकर के लगातार बयानबाजी चल रहा है।
देखिए खास सबसे करके आपको लेकर। देखिए मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूँगा, कुछ लोगों को मतलब विशेष इसी बात के लिए मतलब पैकेज दिया गया है कि आप हमारी छवि को लेकर रोज धूमिल करते रहे। नहीं ठीक है, सवाल बनता है तो अगर मुझ पे एक सवाल बनता है तो कम से कम अगर आप मेरे लिए अगर लाइव आते हैं एक दिन, तो कम से कम आपको 2 दिन आजसू के लिए और 3 दिन बीजेपी के लिए और 4 दिन जेएमएम को लेकर लाइव आना चाहिए। अगर आप मोतीलाल महतो को लेकर लाइव आते हैं तो आपको कल्पना सोरेन और अनूप सिंह को भी लेकर लाइव आना चाहिए, तो आपको ढुलू महतो और सुदेश महतो और चंद्रप्रकाश चौधरी और तमाम नेताओं को लेकर भी लाइव आना चाहिए था। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ धराम से जुड़े लोगों को लेकर लाइव आते हैं, और राजकुमार मंडल रहे, पूजा महतो रहे, मोतीलाल रहे, फरजान रहे, तो एक जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है वो समझ सकता है कि उनका उद्देश्य क्या है, उनको क्या मतलब, उनके और बाकी अगर कोई है पर्दे के पीछे तो उससे क्या बातचीत हुई है, ये किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। आप आते बिल्कुल मेरी मेरे खिलाफ बोले, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो बिल्कुल मेरे आलोचना करें, मेरी बुराइयों को, मेरी खामियों को गिनाएं, लेकिन सवाल ये है तो आप तो 7ों दिन हम पे ही लेकर लाइव आते हैं, कभी मेरे मित्र मोतीलाल जी को लेकर, कभी मेरे मित्र फरजान जी को लेकर, कभी हमारी महिला साथी हमारी टीम की पूजा जी को लेकर, तो कभी आप राजकुमार जी को लेकर आने लगे हैं। आइए उनका बात कहना है कि आंदोलन तो हमने खड़ा किया, लेकिन जयराम हम लोग को छोड़ करके गए और फिर अपना एक अलग तैयारी किए, ऐसे एक बात बताइए, उसके ठीक है बाद तो हम लोग को आप टारगेट किया जाए। एक आप में भी सामर्थ्य आप अलग खड़ा कर लीजिए। विषय यहाँ सामर्थ्य क्या है, विषय विश्वास का है, विश्वास भरोसे का है। बिल्कुल आंदोलन की शुरुआत बोकारो से हुई थी, मैं मेरे मेरी परीक्षा थी पीएचडी की, और अगर मेरी परीक्षा कैंसिल नहीं होती तो शायद मैं चेहरा भी नहीं बनता, क्योंकि जिस दिन मैं हाईलाइट हुआ था मेरी परीक्षा थी, लेकिन ठीक परीक्षा से कुछ दिन पहले पोस्टपोन हुआ परीक्षा, तो ये सही है, जो सही है मैंने स्वीकार किया है। आंदोलन में मेरी एंट्री 1 सप्ताह लेट से हुई थी। क्या संजय मेहता को यदि कैसे यदि ऐसा कुछ होता है तो वापस पूछने ले आपका देखिए संगठन हम में लाएगा? जेबी केसेस बहुत उदार हृदय का है, हम वो हैं जो बीस पी के भी लोगों को अमृत मिले ये अपेक्षा करते हैं, ये उनके लिए प्रार्थना करते हैं, वो आएंगे उनका दिल से स्वागत है। जो भी चूंकि हम लोग विजन लेके चले हैं, हमें केवल 2024 का चुनाव नहीं लड़ना है, 29 भी लड़ना है, 34 भी लड़ना है, 39 भी लड़ना है और 44 भी लड़ना है। अगर वो आएंगे तो स्वागत है, लेकिन फिर वही कहेंगे वो जहाँ से चुनाव लड़ेंगे वहाँ जिन्होंने फॉर्म भरा है उनसे एनओसी लेना होगा, या फिर उनको उधर जहाँ से आवेदन नहीं किया गया है चुनाव वहाँ से लड़ेंगे, और अगर आपको चुनाव अगर लड़ना है तो एनओसी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आवेदन दिया जा चुका है और आपने आवेदन दिया नहीं है। चलिए आगे की तैयारी आपकी यदि हम बात करें तो कल कुछ कर्म पर्व पे महिलाओं को शायद तोहफा देने की भी तैयारी है जयराम महतो का। मेरा नहीं, हमारा तो कोई हम लोग तोहफा मतलब हमारा तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन हाँ अगर संगठन के साथी अगर कहीं से कुछ सहयोग करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हमारे संगठन में बहुत सारे इंजीनियर डॉक्टर्स जुड़े हैं, अगर उनके माध्यम से कोई उपहार दिया जाएगा बहन लोग को तो ये कोई आपत्तिजनक नहीं है, ये स्वागत योग्य है, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है। तो आगे की रणनीति अब क्या है? देखिए अब चुनाव अब लगभग अब देखिए आगे बिगुल बजने वाला आगे है की लगभग, और ये रणनीति तरह आगे की से रणनीति सरगर्मी है आप जी, देख रहे हैं। मैं भी चीज़ों को समझ रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रेशर जयराम महतो पर ही रहेगा। एक नया लड़का जो राजनीति में अभी पांव पसार रहा है, ठीक से चलने नहीं सीखा है, और आज तमाम राज्य के तमाम लोगों की जुबान पर बस जयराम महतो है, ना उनको बीजेपी की चिंता है, ना जेएमएम की चिंता है, ना आजसू की चिंता है, और ना ही अन्य किसी विषय की चिंता है, तो इसीलिए बहुत सारे प्रेशर आएंगे और उन प्रेशर का मुझे सामना करना होगा, उसके लिए मुझे फिट रहना होगा, मैं उसके लिए तैयार हूँ। जरा मत तो क्लियर कर पाए कि कहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए आज बस एक आध दिन में क्लियर हो जाएगा। लगभग ही आप घोषणा कब करने जा रहे हैं? हमें लगता है कि ये 4 दिन में 5 दिन में कम से कम अच्छी खासी सीटें फिर से मेरे ख्याल से आपको रांची के क्षेत्र में चुनाव में एक जो क्या कहेंगे राज्य के बाहर जो लोग रहते हैं जो यहाँ के झारखंड के लोग हैं आपने एक संदेश दिया था, क्या आज हमारे माध्यम से उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी विधानसभा के चुनाव में उनका वोट निर्णायक होगा, लेकिन फिर भी चूंकि वो प्रवास बाहर रहते हैं तो पैसों का अभाव भी हो सकता है, तो अगर सक्षम होंगे तो आएंगे, और नहीं तो अपने परिवार को जरूर कन्विंस करेंगे इस बार हमें वोट करने के लिए, जैसे पिछली बार किया था। ऐसे हम तो चाहेंगे कि वो कम से कम विधानसभा के चुनाव में आए, वो समय मैंने दिवाली
का समय होता है, दुर्गा पूजा का समय होता है, आपका हम लोग का सोहराई का समय होता है, तो शायद पर्व त्यौहार के बहाने अगर वो आ जाते हैं तो बढ़िया होगा, लेकिन फिर भी हम फोर्स नहीं करेंगे क्योंकि आखिर पैसा लगता है उनको आने जाने में। आपसे और लेंगे, ये तो बढ़िया मुद्दा आपका, लेकिन यदि हम बात करें और साथ में यदि हम बात करें इस मैया योजना पे भी, आप क्या अपना विचार रखेंगे? देखिए, तमाम जो योजनाएं हैं चुनाव से ठीक 2 महीना पहले आए हैं, तो ठीक है, योजनाओं का स्वागत है। कोई भी योजना अगर राज्य के लिए आती है और वो किसी के लिए हितकारी होती है तो उसका स्वागत है, लेकिन किंतु वो 2 महीना पहले आई है, यानी शुद्ध रूप से पॉलिटिकल एजेंडा है। इसलिए सरकार को अगर लाना है तो 2020 में लेकर आती, 4 साल मिल जाता, और 18 से जो बहनों को दिया जा रहा है वो हमें उचित नहीं लग रहा है। 45-50 होता तो ठीक है, क्योंकि आप अगर इतनी कम आयु के बच्चों को देंगे तो वो कहीं ना कहीं जियो सिम की तरह हो जाएगा हाल, उन्हें लत लग जाएगी। तो ये क्या लग रहा है कि सब जो भी आ रहा है, ये चुनाव परिणाम को देखा जाए आगे आप रणनीति के हिसाब से, तो क्या लग रहा है ये सरकार फिर से अपने वादे के अनुसार जो अभी काम कर रही है फिर से रिपीट करने जा रही है? देखिए, वो तो सरकार की मंशा और सरकार ही जाने, हम लोग तो नहीं कह सकते हैं। शायद आपका नेटवर्क इश्यू हो गया या मेरा नेटवर्क इश्यू हो गया होगा। अरे फोन में इतनी देर तक रिंग वायरल लग गया, जब तक हटते नहीं ला। हाँ, हट गया। नेटवर्क कॉल आ गया था शायद, उसी से इश्यू हो गया था। हेलो, ना छोटे रिकॉर्ड भाई, अब तो करो ना रिकॉर्ड भाई, लग रहा है।